गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉपर चॉइस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है और सबसे ज्यादा डिमांड किया जाने वाला टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बी बीइंग और बीन के सभी प्रयोग। ओके, कई सारे कमेंट्स हमको मिले, कई सारे मैसेजेस मिले कि इस पर एक वीडियो बनाइए, बी बीइंग और बीन पर। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, आप पूछिए मत। दोस्तों इसका यूज आप मोस्टली पैसिव वॉइस में किया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ लाइफ के जो सेंटेंसेस होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, उसमें लगभग 30-40% हम लोग पैसिव वॉइस ही बोलते हैं। ओके, तो आइए एक एक करके बी बीइंग और बीन के सारे यूजेस देखते हैं। दोस्तों ऐसे टाइप के सेंटेंसेस इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे कि किसी काम को, इस काम को किया जाना है, इस काम को किया गया है, इस काम को किया जा रहा है, इस काम को किया जा सकता है और इस काम को किया जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको ट्रांसलेट करना, जिसको बनाना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टॉपिक यूज ऑफ बी बीन बीन के सभी प्रयोग। दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस, किस टाइप के सेंटेंसेस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आइए समझते हैं। जैसे कि स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा था, स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा था, इस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाना है, उसे चाकू से मारा गया है, उसे चाकू से मारा गया है, स्कूल में किताबें बट रही थी, स्कूल में किताबें बट रही थी, इसे हटाया जा सकता है, इसे हटाया जाना चाहिए। ओके, ऐसे सेंटेंसेस, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस है ना, ये सारे के सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हैं और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यूज करते हैं बी बीइंग और बीन का। तो कहां पर बी का यूज करेंगे, कहां पर बीन का यूज करेंगे और कहां पर बीन का यूज करिए, आइए समझते हैं। पहला यूज देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वॉज या फिर वर प्लस बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिसमें वाक्य के अंत में आए कि इस काम को किया जा रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस दोस्तों पैसिव वॉइस का है और कॉन्टिन्यूअस का है। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जिसमें आइडेंटिटी आती है कि इस काम को किया जा रहा है या फिर इस काम को किया जा रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इज एम आर वर्ब वर प्लस बीइंग एंड वर्ब नंबर थ्री एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा था, देखिए जो पैसिव वॉइस होता है ना उसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है ना कि सब्जेक्ट को। मैच में फाइनल मैच कौन खेल रहा था, इस पे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस ना देके फाइनल मैच को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि स्टेडियम में फाइनल मैच खेला। ओके, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब द फाइनल मैच वॉज इज being played in the stadium, okay? तो अब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यानी कि जो डूअर है वो सेंटेंस में मिसिंग है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है। ओके, पहले तो ये इंश्योर करिए, और क्योंकि ये काम किया जा रहा था और ये नहीं लिखा है कि इस काम को ये व्यक्ति कर रहा था, मैं कर रहा था, तुम कर रहा था, हमारी टीम कर रही थी, ठीक है, बच्चे जो है वो फाइनल मैच खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, हमारी टीम खेल रही थी, ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है फाइनल मैच खेला जा रहा था। ओके, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसके लिए हम लोग यानी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है जिस कार्य को किया जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो फाइनल मैच खेला जा रहा था, द फाइनल मैच इज खेला जा रहा है is being played in the stadium. Second example लेते हैं, पुल बन रहा था। दोस्तों देखिए बनने का काम पुल कर नहीं रहा था बल्कि पुल
पे ही वर्क हो रहा है ना, फुल बनाने पर ही काम चल रहा है। तो ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है, इसको बहुत क्लोजली समझिएगा। रहा है, रही है, आ रहा है, फिर भी जो डूअर है वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। पुल बन रहा है, पुल बना नहीं रहा है किसी को, बल्कि पुल को बनाया जा रहा है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि पुल को बनाया जा रहा है। तो द ब्रिज इज बीइंग मेड, ओके, द ब्रिज इज बीइंग मेड या कंस्ट्रक्टेड, द ब्रिज इज बीइंग मेड, ओके। एक गरीब व्यक्ति को पीटा जा रहा था, एक गरीब व्यक्ति को पीटा जा रहा था, गरीब व्यक्ति पीट नहीं रहा था बल्कि गरीब व्यक्ति को ही पीटा जा रहा था। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि वो जो डूअर है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, डूअर नहीं है, एक्शन परफॉर्म उस पर हो रहा है यानी जिस पर हो रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ओके। तो एक गरीब व्यक्ति को पीटा जा रहा था, A poor man was being beaten. Okay? एक एग्जाम्पल और दिया है, इसको भी समझ लेते हैं। स्कूल में किताबें बढ़ रही थी, स्कूल में किताबें बढ़ रही थी, बुक्स वर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल, बुक्स वर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्कूल। अब समझते हैं इन सारे सेंटेंसेस में दोस्तों बींग लगाना है, ओके। बींग का यूज हम लोग देख रहे हैं, कहां पर करते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस की पहचान होती है कि इस काम को किया जा रहा है, ये खेला जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, ये बांटा जा रहा है, वो बुलाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है, ठीक है, पहचान आती है, खेला जा रहा है, देखिए, पुल बनाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, किताबें बट रही थी यानी बांटी जा रही थी, तो ज्यादातर कंडीशन में जा रही थी और प्लस वर्ब, जा रही है प्लस वर्ब, खेला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ओके। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूज बीन का यूज कहां पर करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन वर्ब नंबर थ्री एंड अदर वर्ड। दोस्तों बीन का यूज पैसिव वॉइस में हम लोग करते हैं हैज हैव हैड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं, उसे चाकू से मारा गया है, उसने मारा नहीं है बल्कि उसको मारा गया है, यानी जिस पर काम हो रहा है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो उसे मारा गया है, उसने मारा नहीं है, he has been killed with a knife, ओके। has have का यूज करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट होगा तो had का यूज करेंगे, फिर been लगा देंगे वर्ब नंबर थ्री, ओके। नदी के ऊपर पुल बनाया गया है, ठीक है, जब बनाया जा रहा है, उसे चाकू से मारा जा रहा है, कंटिन्यूअस होता है तो बीन लगाएंगे, और जब कार्य हो चुका है यानी कि परफेक्ट हो गया है तो फिर बीन लगाएंगे। नदी के ऊपर पुल बनाया गया है, अ ब्रिज हैज बीन बिल्ट ओवर द रिवर, ठीक। नेक्स्ट, किताबें बांटी जा चुकी हैं, बांटी जा रही है तो बीन यूज करते थे, और अब बांटी जा चुकी है तो फिर बीन का यूज करेंगे। बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। नेक्स्ट, काम समाप्त किया जा चुका था, पास्ट हो गया तो फिर हैड लगाएंगे, वर्क हैड बीन फिनिश्ड, ओके। तो हमने देख लिया बींग का यूज और बीन का यूज, अब बचा है कौन सा यूज ऑफ बी। बी का यूज कहाँ पर करते हैं दोस्तों, बी का यूज हम मॉडल्स के साथ करते हैं, ओके। विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं, उसका पैसिव वॉइस जब होता है तो फिर हम उसके साथ में बी का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एक एक करके समझते हैं। इसे हटाया जा सकता है, इसे हटाया जा सकता है, यहाँ पर देखिए संभावना अगर है, हटाए जाने की संभावना है, तो फिर हम मे का यूज करेंगे, ओके, और फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट कैन बी रिमूव्ड या इट मे बी रिमूव्ड, देखिए मॉडल्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया है,
और आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा फिर मैं समझा दे रहा हूँ। कैन का मतलब संभावना कम है, 50-50% है पॉसिबिलिटी, इसे हटाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी 50% है। हम यहाँ पर मे भी लगा सकते हैं, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि यहाँ पर हमने मे बोला था तो फिर कैन कैसे आ गया। कैन का मतलब संभावना कम है, और सॉरी कैन का मतलब संभावना ज्यादा है, 50% है ना, 50-50 कैन का मतलब, और अगर मे होगा तो संभावना थोड़ी सी कम है, कम संभावना के लिए मे का यूज करते हैं। और माइट का यूज बिल्कुल कम संभावना, उससे भी कम, बिल्कुल 5% ही पॉसिबिलिटी हो तो ही इट माइट बी रिमूव्ड। ओके, तो कैन और कुड में माइट पॉसिबिलिटी के लिए सबका यूज करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इस नदी को पार किया जा सकता है, पार यहाँ पर जिया लिखा है, ये है पार किया जा सकता है, इस नदी को पार किया जा सकता है। ओके, दिस रिवर कैन बी क्रॉस्ड। अब यहाँ पर एबिलिटी या पावर की कैपेसिटी की बात हो रही, पार किया जा सकता है तो कैन का इस्तेमाल किया गया, कोई डाउट नहीं। दिस रिवर कैन बी क्रॉस्ड, इसे हटाया जाना चाहिए, इसे हटाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, चाहिए आ रहा है तो फिर शुड लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इट शुड बी रिमूव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इट शुड बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज उसे निलंबित किया जाना चाहिए, ही शुड बी सस्पेंडेड, ही शुड बी सस्पेंडेड। तो इस किसी काम को किया जा सकता है, किसी काम को किया जाना चाहिए, किसी काम को अवश्य किया जाना चाहिए, इसके लिए अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब लगाइए, बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, किसी सेंटेंस में बी का इस्तेमाल एक जगह पर और होता है जब इन्फिनिटिव का यूज होता है, टू बी। ओके, इस एम आवाज पर प्लस टू बी प्लस वर्ब नंबर थ्री, किया जाना है, किया जाना था। ओके, इसके लिए जब आइडेंटिटी ये हो कि इस काम को किया जाना है, इस काम को किया जाना था, तो फिर हम लगाते हैं इस एम आर वाज वर्ब और उसके बाद में इंफिनिटिव टू और फिर बी लगाते हैं एंड देन वर्ब नंबर थ्री। फाइनल मैच इज टू बी प्लेड इन दिस स्टेडियम, इस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाना है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसे सुंदर बनाना है, इसे सुंदर बनाना है, ये सुंदर बनाएगा नहीं बल्कि इसको सुंदर बनाना है, दैट इज पैसिवाइज, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग बी का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इट इज टू बी मेड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कपड़ों को धोया जाना था, पास्ट आ गया तो फिर वाज वर्ब में से कोई एक वर्ब लगाएंगे हम लोग। ओके, क्लॉथ्स वर टू बी वॉश्ड, उसे दंडित किया जाना है, उसे दंडित किया जाना है, दे आर टू बी पनिस्ड। ओके, तो ये था टू बी का यूज, और आई होप अब आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।